हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ लिटरेरी टर्म्स को और कुछ क्रिटिसिज्म जो होते हैं एक एक टेंस होता है या फिर एक जो वर्ड होता है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है या फिर उसका मतलब कैसे होता है लिटरेरी टर्म आपको ऑब्वियसली पता होगा जैसे कि हम बोल देते हैं ह्यूमनिज़म है पैरडी है पोइटिक जस्टिस है आयरनी है, है या फिर सोनेट है ये चीज़ें होती क्या है आखिर अब बीइंग एज ए लिटरेचर स्टूडेंट आपको चीज़ें पता है लेकिन अगर कोई सिंपली अभी अभी मास्टर्स में उसमें एडमिशन लिया है और उसका जो बैकग्राउंड है वो लिटरेचर का नहीं था उसने इंग्लिश ऑनर्स नहीं किया है अपने ग्रेजुएशन में तो उसके लिए जो टर्म्स होती है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं डिफ़िकल्ट हो जाती हैं तो उनको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं तो शायद मैं इसकी दो वीडियो बना दूँ पार्ट वन पार्ट टू करके आपको लिंक आपस में मिल जाएगा आप देख लेना तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो लिटरेरी टर्म होता क्या है तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं डिस्कशन में क्लैरिफिकेशन में क्रिटिसिज्म में या फिर पोइट्री को एनालाइज़ करने में नावल को एनालाइज़ करने में या फिर किसी पिक्चर को बुक को तो वो सब क्या होते हैं लिटरेरी टर्म्स उन्हें बोला जाता है तो सबसे पहले लिटरेरी टर्म हमारे पास क्या है ह्यूमेनिज्म अब ह्यूमेज्म को सुनने के बाद आपके माइंड में थॉमस मोर की एक इमेज आ गई होगी ऑल दो तो जरूरी नहीं है कि सबके माइंड में थॉमस मोर ही आए किसी किसी के माइंड में मे भी पेटराज आए हों तो जो ह्यूमनिज़्म है ये मेनली इटली में इसका स्टार्टअप हुआ था ये जो टर्म है इटली में स्टार्ट करी गई थी फोर्टीन सेंचुरी में जो पेटराज थे उनके वर्क्स में इन चीज़ों का स्टार्टअप हुआ था और धीरे धीरे बाद में ये जो टर्म थी पूरे यूरोप में फैल गई और उसके बाद इंग्लैंड में फैल गई तो इटली में तो पेट्राज़ थे उसके बाद इंग्लैंड में थॉमस मोर जो थे वो इस मूवमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे उसके बाद बात आती है आरनी की आरनी मतलब कि इट इज़ अ डिवाइस फॉर कन्विंसिंग अ मीनिंग विच इज़ द अपोजिट ऑफ द अपीरेंट मीनिंग कि एक ऐसा डिवाइस यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है जो दिखाया जाता है उससे जैसे कि हम बोलते हैं कि टाइटैनिक जो था उसने बोला था वो कभी डूबेगा नहीं श्रिंक नहीं होगा लेकिन वो अपनी फर्स्ट जो उसकी ट्रिप थी उसी में डूब गया अब नेक्स्ट इसके बाद बात आती है पोइटिक जस्टिस की पोइटिक जस्टिस को कॉइन आउट किया था थॉमस थॉमस राइमर ने तो ये होता है कि जब वर्क जब फिनिश होने वाला होता है अगर कोई एक एंटागॉनिस्ट है एक विलन है तो लास्ट मूव पर जाकर पनिशमेंट दे दी जाएगी जो जैसा करेगा उसको वैसा लास्ट में उसको मिल जाएगा तो पॉलिटिक जस्टिस वही होता है कि अगर कोई विलन है उसने स्टार्टिंग में कुछ गलत काम किया तो लास्ट में आके क्या तो उसकी डेथ हो जाएगी या तो उसे कोई उठा ले जाएगा या फिर ऐसा ही कुछ उसके बाद कुछ अच्छा नहीं होगा तो ये डिपेंड करता है कि पनिशमेंट लास्ट में ज़रूर मिलेगी और जो जिस बंदे ने अच्छा काम किया उसे एक रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा तो जस्टिस क्या है जस्टिस यही है जिसने अच्छा किया उसे अच्छा मिलेगा जिसने नहीं किया उसे नहीं मिलेगा तो उसी तरीके से पॉलिटिक जस्टिस वर्क करता है अब बात आती है पैरेडी की पैरेडी क्या होता है ये जैसे कोई लिटरेचर का को वर्क लिखा गया तो उसी वर्क को इमिटेट किया जाए उसी वर्क की कॉपी लिखी जाए और इस ऐसा नहीं कि मतलब पूरा पूरा कॉपी कर लिया जाए बल्कि उसमें कुछ ह्यूमर मिलाया जाए कुछ सटायर लिखा जाए तो ह्यूमर और सटायर को मिक्स करके किसी एक वर्क को फिर से कॉपी किया जाए उसका मतलब होता है पैरेडी इसके बाद बात आती मोरालिटी प्ले मोरालिटी प्ले आपने सुना होगा कि जो स्टार्टिंग की सेंचुरीज़ थी उसमें मोरालिटी प्ले लिखे जाते थे तो मोरालिटी प्ले में क्या होता है इसमें मेनली होता है कि जो जैसे कि वॉइस होते हैं वर्चूज होते हैं जैसे विजडम है गुडनेस है जस्टिस है एविल है ग्रीड है लस्ट है तो जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं इसे एज अ ह्यूमन स्टेज पर प्रेजेंट किया जाता है अगर आपने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक पर्सन है उसका नाम क्या है होप है आई थिंक और किसी पर एक कोई पर्सन उसका नाम गुडविल है तो ये क्या है गुड विल होप या फिर जस्टिस ये सब एक तरीके की वॉइस है वर्च्यूज़ हैं लेकिन एज अ ह्यूमन उसे प्रेजेंट किया जाता है अगर हम एक एक्ट प्ले कर रहे हैं कोई प्ले प्ले कर रहे हैं स्टेज पे और उसमें मेरा नाम है एविल तो क्या है कि मैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ अगर आपका नाम गुड है तो आप गुड चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इस तरीके से मोरालिटी प्ले लिखे जाते थे तो इतनी सारी चीज़ें दिखाई जाती है जैसे कि आपने एवरी मन पढ़ी है तो वो मोरालिटी प्ले में आएगा उसके बाद मिस्ट्री प्ले मिस्ट्री प्ले क्या होता है इसमें जो सीन्स होते हैं मिस्ट्री प्ले में वो मेनली जीसस जो थे क्राइस्ट जो थे उनकी लाइफ से लिए जाते हैं जैसे कि इसका एग्जांपल है द हेरोइंग ऑफ हेल तो इसमें जो जीसस क्राइस्ट है उनकी लाइफ से एक इवेंट लिया गया है मिरेकल प्ले भी आता है मिरेकल प्ले में क्या होता है इसमें जो लाइफ होती है जो प्ले मेनली दिखाया जाता है वो सेंट्स की लाइफ को शो करता है या फिर उसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो थीम लिया गया है वो बाइबल से लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है बाइबल से ली हुई चीज़ों में कोई ना कोई एक, लास्ट में एक मोरल निकल कर आता है जितने भी मेराकल प्ले होते थे वो मेनली चर्च स्पॉन्सर करता था उन प्ले को और ये जो प्ले, प्ले परफॉर्म किए जाते थे ये चर्च के प्रीमाइस जो चर्च का एरिया होता है उसी के अंदर परफॉर्म होते थे बाहर नहीं होते थे लेकिन बाद जब चीज़ें चेंज चीज़ होने लगी टाइम चेंज होने लग गया तो ये जो प्ले हैं, ये आउटसाइड द चर्च भी परफॉर्म होने लग गए थे नेक्स्ट सोनेट सोनेट आप सबने पढ़े हुए हैं कोई ना कोई सोनेट आपने पढ़ा होगा चाहे शेक्सपियर का हो पेटराज का हो स्पेंसर का हो या फिर मिल्टन का हो तो जो सोनेट है वो फोर्टीन लाइन्स के होते हैं एट प्लस सिक्स मतलब कि फोर्टीन लाइन्स टोटल होती हैं लेकिन इसमें भी दो स्टैंड होते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड जो होता है वो एट लाइन का होता है उसके बाद सिक्स लाइन का होता है जिसे ऑक्टिव और सेस्टिव भी बोलते हैं स्टार्टिंग के एट में एक क्वेश्चन टाइप में होता है कि कन्फ्यूजन है कि कोई वो क्वेश्चन पूछना चाहता है जो बंदा है और लास्ट के सिक्स में एक उसका आंसर निकल कर आता है तो जो शेक्सपियर के सॉनिट्स हैं उनकी रिदम अलग है उनकी राइम अलग है स्पेंसर का अलग है मिल्टन का अलग है तो हर एक जो पर्सन है उसके सोनेट का तरीका अलग है इसको हम किसी एक इंडिविजुअल वीडियो में कवर करेंगे कि किस कितने तरीके के सोनेट्स होते हैं और किसकी कौन कौन सी अल्फाबेट से या फिर कौन कौन से राइम से उनके सोनेट पहचाने जा सकते हैं उसके बाद बात आती है एलगी की एलगी क्या होता है ये एलगी जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है एलिगेट से जिसका मतलब होता है मॉर्निंग सुबह वाली मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग मतलब कि मॉन्ट करते हैं जब कोई शोक मनाते हैं किसी की डेथ पे तो इंग्लिश लैंग्वेज में अलगी का मतलब क्या होता है इसमें आप ट्रेंस को जो पर्सनल चीज़ें होती हैं सौरव होती है उन चीज़ों को लिखते हैं कि किसी पर्सन की डेथ पे या फिर शोरों में आपने कोई चीज़ लिखी है जैसे कि लिखी है मिल्टन ने लेसिडस लिखी है शैली ने लिखी है एडोनिस ये एडोनिस जो है ये क्यों लिखी गई है किड्स की जो डेथ हो गई थी उसके ऊपर एलजी लिखी गई थी एडोनिस मैथ्यू एरनोर ने भी लिखी है इसको छोड़ के प्रोलोग प्रोलोग आपने देखा होगा कि प्रोलोग बहुत बार आता है कोई वर्क है कोई नॉवल है स्टार्ट हुआ लेकिन उससे पहले उसका एक प्रोलोग है जैसे कि कैंटबरी कैंटबरी टेल्स से पहले एक कैंटबरी टेल्स का प्रोलोग है प्रोलोग ऑफ कैंटबरी टेल्स कुछ ऐसा ही प्रोलोग ऑफ कैंटरिया तो प्रोलोक क्या होता है ये एक स्टेटमेंट होती है राइटर की किसी भी ड्रामा में हो सकती है उसके स्टार्टिंग लाइन में ओपनिंग लाइन्स में जो कि मेनली हाईलाइट करती है कि इस ये जो वर्क होने वाला है इसका मेन एम क्या होगा जो भी चीज़ें अभी स्टार्ट होंगी स्टेट पर उसका मेन एम क्या है तो लोग सबसे स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बहुत ही ईजी है अब इसके बाद आता है पन पन मतलब क्या होता है पी यू एन ये मेनली यूज़ किया जाता है प्ले के अंदर जो कि अलग अलग मीनिंग्स को अराइव करता है इवोक करता है जस्ट फॉर फन जैसे कि शेक्सपियर बहुत ही मास्टर है जो पन जो पन को यूज़ करते थे अब पैरेबल पैरेबल क्या होता है कोई भी ऐसी स्टोरी को लिखा जाए जिसमें कोई एक मोरल लेसन निकल कर आए जैसे कि बिब्लिकल पैरेबल्स होते हैं इसके एग्जाम्पल बाइबल से लेके कोई भी चीज़ आपने लिखी तो उसमें लास्ट में कंक्लूजन निकला और उस कंक्लूजन में क्या हुआ एक मॉरल लेसन आपको मिलता है तो वो होता है पैरबिल ओड ओड क्या है ओड एक रिदम एक राइम्ड लिरिक होती है जो कि इस फॉर्म में लिखी जाती है कि, कि किसी को एड्रेस करी जा रही है और ये डिफाइंड होती है बहुत ही सब्जेक्टिव मैनर होता है और स्टाइल्स में लिखा होता है Uh, जैसे कि आपने पढ़ी हुई है ओ टू अ नाइट एंगल या फिर इरेगुलर मैं बोलूँ तो फिर ओ टू इमोटैलिटी जो कि वर्ड्स ने लिखी थी नेक्स्ट एपिक एपिक जब हमारा स्टार्टिंग हुआ था कॉलेज का फर्स्ट डे था हमारा तो ऑनर्स में इंग्लिश ऑनर्स में स्टार्टिंग फर्स्ट डे में तो हमारे सर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था वट इज़ एन एपिक उसके बाद हम बच्चों ने इतना ज़्यादा उसमें स्ट्रगल किया था हमें ये नहीं पता था कि एपिक क्या होता है क्योंकि जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ जब आप जाते हो तो आपको नहीं पता कि एपिक क्या है तो हमने इसमें भी लिखा था किसी ने पूरी ऐसी छोटी छोड़ छोटी लाइन्स मैंने भी दो चार लाइन्स कॉपी कर रखी थी गूगल से कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है इसमें गॉड भी इंटरफेयर करते हैं ये है वो है तो एपिक क्या होता है एक पोइट्री होती है जो कि सेलिब्रेट करती है किसी भी बहुत ही बड़े इवेंट को और इसमें एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है एक बहुत ही बड़ी पोएम होती है और मेनली ये वॉर के ऊपर लिखी जाती है जैसे कि हमारी इंडियंस में अगर मैं बात करूँ हमारे पास रामायण और महाभारत है और अगर मैं ग्रीक्स में बात करूँ तो इलियड है इलियड अगर आपने पढ़ी है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसमें इतना ज़्यादा जो उसका जो टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा है एक्लीज आपने सुना होगा तो एक्लीज जो है वो इलियड में ही है हीरो है इसमें और ऑडिसी जो है ऑडिसी ऑफ ग्रीक लिटरेचर ये दोनों ही एपिक में आते हैं उसके बाद बात आती है ट्रेजेडी की तो ट्रेजेडी आपको पता है क्या होती है स्टार्टिंग में कोई एक हीरो दिखा देंगे जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है नॉर्मल पर्सन है लाइक लाइक अस लेकिन जब उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा उसके अंदर एक ईगो आने लग जाता है जिसे इनकी लैंग्वेज में उसे ह्यूब बोला जाता है जब ट्रेजेडी में किसी एक पर्सन के अंदर ईगो आ जाता है फिर उसके बाद क्या होता है उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है डाउनफॉल के बाद उसकी डेथ हो जाती है या फिर मिस फॉर्चून आ जाता है तो वो जो उसकी जो एक ग्रोथ होती है कि वो एक बार ऊपर जाता है फिर सडनली ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं ट्रेजडी ट्रेजडी को छोड़ के एपीलॉग होता है एपीलॉग किसी भी वर्क के लास्ट में लिखा जाता है जैसे कि प्रोलोग स्टार्टिंग में लिखा जाता है वर्क की उसी तरीके से जो एपीलॉग होता है वो वर्क के सबसे लास्ट में लिखा जाता है और इसमें क्या होता है मेनली एक कमेंट किया जाता है जो राइटर है ऑथर है उस वर्क का वो एक कमेंट करता है कंक्लूजन देता है अपने वर्क का कि हाँ ये जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं अब इसको छोड़ के हमारे पास लिरिक है लिरिक आपको पता है ग्रीक वर्ड से लिया गया है लायर से जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है औरिजनली और ये इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ ऐसे लिखी जाए जो कि गाने के लिए लिखी जाए जिसे हम गा सके लिरिक कर सके संग कर सकें तो इसमें जो भी चीज़ें आती हैं जो भी चीज़ें लिखी हुई हो होती हैं गाने के लिए वो आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसके बाद ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है मोनोलॉग का मतलब होता है ये दो टर्म से बनना है जैसे कि मोनस और लोगस तो मोनस और लोगस मतलब होता है मोनस का मतलब वन लोगस मतलब स्पीच मतलब एक बंदे की अपने आप ही स्पीच एक जो पर्सन है वो खुद से ही बोल है और ड्रामेटिक हो गया कि उसमें जो सामने वाला बंदा है वो हमेशा हमेशा ही साइलेंट रहता है इस जो है वो हमेशा साइलेंट रहता है जैसे कि आपने पोइट्री पढ़ रखी है माई लास्ट टचिज माई लास्ट टचिज में जो किंग है वो सामने वाले पर्सन को बता रहा है कि जो फोटो है मेरी वाइफ की है जो लास्ट टचिज़ थी उसकी है लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो हमेशा चुप रहता है वो कुछ नहीं बता रहा है वो बिल्कुल ही साइलेंट है बस हमें जो किंग की जो वॉइस है वो जो पैसेजेस बोल रहा है वो सुनाई देते हैं फरा लिपी है फरा लिपी में भी जो पर्सन है जो पेंटर है सिर्फ हमें उसका पता चलता है उसमें बोला गया है कि वो जो नाइट वॉच है वो आते हैं मुझे पकड़ लेते हैं मेरे कॉलर पकड़ लेते हैं लेकिन हमने कभी भी नाइट वॉच जो थे उनके एक भी वर्ड नहीं सुने बिच मीन्स कि एक ड्रामेटिक मॉनोलॉग है सिर्फ एक पर्सन की आवाज़ सुनाई देगी बाकी के जो लोग हैं वो शांत दिखेंगे आपको नेक्स्ट है हमारशिया हमारशिया क्या होता है एक ये एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है किसी भी कैरेक्टर के अंदर जब कोई ट्रेजिडी लिखी जाती है तो उसमें हमारशिया जरूर होता है जो कि उसका एक मेन एलिमेंट है जो ट्रेजिक हीरो है उसके अंदर हम शिया होता है ट्रैजिक फ्लो होता है अब वो जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा होता है एक बहुत ही ग्रेट मैन होता है लेकिन जो ट्रैजिक फ्लो होता है वो उसका एक वर्च्यू है एक क्वालिटी है और वो क्या करता है वो उसकी वजह से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है वो डूम हो जाता है और अल्टीमेटली टू डेथ नेक्स्ट है पेरीपेटिया पैरिपेटिया जो है वो सिंपली बताता है एक डिफाइन करता है एक सडन सा एडवर्स कि सडनली से उसकी जो डेस्टिनी थी फेट था पोजीशन था उसमें कुछ चेंज हो गया जैसे कि जो हीरो था वो एक गुड पर्सन था लेकिन सडनली वो बैड बन गया वो बहुत खुश था लेकिन सडनली उसके पास ग्रीफ आ गई वो बहुत हाई स्टेटस पे था सडनली वो लो बन गया तो ये क्या है एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी ट्रेजेडी के अंदर और जो ह्यूबेस होता है ह्यूबरेस का मतलब होता है ईगो और जो घमंड जो घमंड होता है एक राइटर एक पर्सन के अंदर जब आ जाता है तो जैसे कि आपने पढ़ी है डॉक्टर फॉस्टिस तो डॉक्टर फॉस्टस में उसका हीस है वो उसका घमंड है कि वो सब कुछ पढ़ सकता है और उस ह्यूबरेस की वजह से ही उसका डाउनफॉल हो जाता है तो ये थी कुछ मेन मेन सी टर्म्स जो कि मैंने आपको बताई हैं अभी बहुत सारी टर्म्स बाकी हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी तो आई रियली होप कि आपको ये टर्म्स समझ में आई होंगी जो टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे आप कमेंट में सिंपली पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि सिंपली मैं लिखकर भी उसे समझा सकती हूँ कि हाँ इसका मतलब ऐसे होता है आपको इस तरीके से फोकस करना है तो आप इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि कुछ टर्म्स होती है जो पेपर में पूछ ली जाती है नेट के पेपर में स्पेशली सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सेकेंड पार्ट में मैं इसके बाकी के जो Uh, बाकी की जो टर्म्स हैं उनको कंप्लीट करूँगी एंड यार टेल देन टेक केयर बाबा हैव फन